हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी में जहां एक तरफ उथल पुथल देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ही तरफ प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी कई अहम फैसले सुनाती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कई अहम फैसले ले रहे हैं और उनके इन फैसलों को काफी ज्यादा सराहती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव। अपर्णा विष्ट यादव ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत में ही बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली 19 जनवरी के दिन और इस फैसले की आलोचना करते हुए दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के समर्थक। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हुई हैं तो जरूर उन्हें कोई शानदार पद दिया जाएगा। अपर्णा विष्ट यादव को लेकर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि योगी सरकार साल 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें पूरी तरीके से तैयार करने में जुटी हुई है। जरूर लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जहां एक तरफ योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल का जब गठन किया गया उन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया। अपर्णा विष्ट यादव के हाथ तो खाली हैं, लेकिन इस बीच उन्हें कई जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। जिम्मेदारियां वो मिल रही हैं कि वह योगी सरकार के लिए इस वक्त काफी ज्यादा प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है और कई फैसले जो सुनाए जा रहे हैं, कई तरीके की जिस तरीके की योगी सरकार ने स्कीम निकाली है उन स्कीम को लेकर इस वक्त वह प्रचार कर रही हैं। जिस तरीके से वह प्रचार कर रही हैं वाकई में बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो हाल ही में सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, अपर्णा विष्ट यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बन चुकी है। देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ योगी सरकार 2.0 कई बड़े और अहम फैसले ले रही है, इसी बीच लोगों को इंतजार है कि जल्द ही योगी सरकार कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी अपर्णा विष्ट यादव को। लेकिन अपर्णा विष्ट यादव के हाथ इस वक्त खाली हैं, लेकिन साथ ही साथ अपर्णा विष्ट यादव कई अहम जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही है। बात करेंगे यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव की उन जिम्मेदारियों के बारे में जिस पर उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपर्णा विष्ट यादव की उन शेयर किए गई तस्वीरों के बारे में जिन्हें शेयर करते हुए अपर्णा विष्ट यादव ने अपनी खुशी को जाहिर किया। हाल ही में अपर्णा विष्ट यादव एक और कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर वह काफी ज्यादा खुश है। बता दें आपको अपर्णा ने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। लिखा है, लाल कुआ स्थित भुइया देवी मंदिर के वार्षिक मेला एवं विशाल भंडारा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर देवी माता का आशीर्वाद लिया और भंडारा में प्रसाद वितरण भी किया। अपर्णा ने यहाँ पर उस खुशी को जाहिर किया है कि किस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और अपर्णा विष्ट यादव मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंची। जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया उस सम्मान को पाकर वह काफी ज्यादा खुश हैं। इतना ही नहीं, अपर्णा विष्ट यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्कीम निकाली जा रही है उन्हें भी वह यहाँ पर वहीं दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर वह प्रचार करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अपर्णा विष्ट यादव ने यहां पर सूचना दे दी है। इसमें लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन कर किसान सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत पार्टी फंड में
पार्टी फंड में न्यूनतम 5 रुपए देकर किसानों, बेटियों और राष्ट्र को मजबूत बनाए। और यहां पर वेबसाइट भी मेंशन की गई है, यहां लिखा है इस वेबसाइट के माध्यम से आप भी इसे अभी कर सकते हैं। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अपर्णा विष्ट यादव को सम्मानित किया गया, जहाँ पर सीएम योगी आदित्य नाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। और उस दौरान भी अपर्णा विष्ट यादव अपनी जिम्मेदारियों को संभालती हुई देखी गई। इस तरह से कैबिनेट में शामिल होने की रिपीट इस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल ना होने रिपीट इस तरह से भले ही बीजेपी ने अपर्णा विष्ट यादव को मंत्रिमंडल में शामिल ना किया हो, लेकिन जिम्मेदारियां उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। अपर्णा विष्ट यादव जो लगातार अपनी जिम्मेदारियों को संभालती हुई देखी जा रही है, इंतजार तो सिर्फ इतना है अपर्णा विष्ट यादव के समर्थकों को कि जल्द ही उन्हें कोई शानदार पद दिया जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।